रानीवाड़ा के एसबीबीजे बैंक में उस वक्त अजीब हालात बन गए जब रानीवाड़ा के विधायक और बैंक मैनेजर में बहस हो गई। कर्ज के लिए 9 महीने से बैंक का चक्कर लगा रहे एक फरियादी की शिकायत पर विधायक सीधे बैंक पहुंच गए और बैंक मैनेजर से सवालों की झड़ी लगा दी। आरोप है कि बैंक मैनेजर दलालों के जरिए काम कर रहा है। सारे दलाल आपके काम करते हैं, सारे दलाल जो पैसा देते हैं उसकी फाइल चेक करते, तो गरीब आदमी कितने दिन से घूम रहे भैया? 8-9 महीने। आप बिना सहमति आते, मैं तो कभी आपके बैंक में आया नहीं। बिल्कुल, आप लोगों के साथ शोषण करते हो, अन्याय करते हो, पैसे लेते हो, दलालों का काम करते हो, एक गरीब आदमी एसटी का 8 महीने से आपके पीछे क्यों घूम रहा है? ये तस्वीर रानीवाड़ा के एसबीबीजे बैंक की है, जहाँ बैंक मैनेजर और स्थानीय विधायक के बीच तीखी बहस हो रही है। रानीवाड़ा के विधायक नारायण सिंह देवल बैंक मैनेजर पर दलालों के जरिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं। विधायक की जनसुनवाई के दौरान एक किसान ने बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायत की और पीएमआरवाई के कर्ज के लिए 9 महीने से दौड़ाने का आरोप लगाया। किसान की शिकायत पर विधायक नारायण सिंह देवल सीधे बैंक पहुंच गए। इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है, कुछ दलाल टाइप 4-5 लोग हैं, जो वो उनके मार्फत ही जो फाइलें जाती है वही फाइलें क्लियर करते हैं, बाकी फाइलें ये लोग क्लियर करते नहीं है। इसलिए मैं स्वयं बैंक में गया और इसकी फाइल भी मैंने देखी, उसमें कोई भी पेंडिंग कुछ भी नहीं है। विधायक के सवालों पर बैंक मैनेजर की जुबान लड़खड़ाने लगी। बैंक में दलालों के बोलबाला का उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं अब उसको धक्के देके वो तो मैं तो खुद ही आया हूँ, तब से परेशान हूँ। उन सबको नहीं कहा इधर ले आओ, देखे यहाँ अंदर ही बताओ, बाहर निकलो तो क्या आप कैसे, हम तो हमारे पैसे जमा कराने आते, आप कौन बना करते हो। दोनों के बीच दल की देख मौके पर पुलिस भी पहुँच गयी। हालांकि विधायक मामले की शिकायत करने की बात कहकर वहाँ से निकल गए। बबलू मीना, जी मीडिया, जालौर।